अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। ओके सो नाउ फिजिक्स की, जैसे मैंने आपको पहले बात कर चुका हूँ कि फिज़िक्स में 40 एमसीक्यूज होते हैं। एंड बाय द वे, यहाँ पर फिज़िक्स में लर्निंग थोड़ी कम है और कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं। सो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, यू कैन थिंक ऑफ इट दिस वे, कि यहाँ कॉन्सेप्ट से ज़्यादा खेलना है एंड कैलकुलेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हाँ फार्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, लर्निंग के पार्ट में आपके पास फार्मूलाज आ जाते हैं, हर चैप्टर के अपने अपने फार्मूलाज हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाय द वे एक मज़े की बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो रिसेंट ईयर का पेपर था उसमें फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम थे, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कुछ 2 न्यूमेरिकल्स थे शायद। एंड उससे पहले जो पिछले 2018 का पेपर था उसमें भी न्यूमेरिकल्स इतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए कि चलो कम अज़ कम न्यूमेरिकल्स उन्होंने कम कर लिए, तो इससे टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अच्छा, फिज़िक्स के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी सिंपल हैं। थ्योरेटिकल में ये होता है कि जो फार्मूलाज होते हैं ना, मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चंस दे आर बेस्ड ऑन द फार्मूलाज। जैसे फॉर एग्जांपल ओम्स लॉ की बात कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब इस फार्मूला से रिलेटेड अगर आपको ये फार्मूला पता हो तो एक क्वेश्चन दे देंगे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टर का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट इन्वर्स वगैरह वगैरह। तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ओम्स लॉ यही कहता है कि जो वोल्टेज होता है वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर। सो बेसिकली इससे आप ये वाला ऑप्शन फिर चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते फिजिक्स के, जो न्यूमेरिकल्स के नहीं होते, बल्कि बेसिकली आपके वर्डिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपके ज़्यादातर फार्मूलाज टेस्ट हो रहे होते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि फार्मूलाज आर ऑन योर फिंगर टिप्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हम वन बाय वन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बात कर लेते हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स की। इससे पहले एक चैप्टर है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अच्छा, बाय द वे फिजिक्स में वही सिलेबस आपको फॉलो करना है, सिन बोर्ड की बुक्स। ठीक है, फिजिक्स की छोटी छोटी बुक्स होती हैं, सही है, एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इनका फ्रंट पेज काफ़ी छोटा होता है, इनके पेजेस के साइज़ छोटे होते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इनमें चैप्टर्स बहुत ही कम है, इनमें भी ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के ही जितने होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये वही बुक्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे फर्स्ट ओके फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर्स हैं, और सेकेंड ईयर में भी कुछ ऐसे ही आसपास चैप्टर्स होने चाहिए, या 10 मोर चैप्टर्स हैं, तो 20 चैप्टर्स इन टोटल हैं, जो कि काफ़ी कम सिलेबस है बनिस्बत बायोलॉजी के, बनिस्बत केमिस्ट्री के। सो बेसिकली लेट्स सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस इन फिजिक्स स्पेशली। अच्छा, बाय द वे पास्ट पेपर्स की अगर आप बात करें, तो पास्ट पेपर्स में पिछले सालों में काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपकी कैलकुलेशन स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप रेड स्पॉट, फिजिक्स के लिए तो रेड स्पॉट इज़ रेकमेंडेड। जो भी चैप्टर की कैलकुलेशंस आपकी स्ट्रांग नहीं हो, उनके रेड स्पॉट के एमसीक्यू सॉल्व कर लें। अच्छा, बाय द वे अगर आप ए लेवल्स के हैं एंड यू हैव अटेम्प्टेड द रेड स्पॉट ऑलरेडी इन योर एएस, फिर दोबारा करने की ज़रूरत मेरा नहीं ख्याल के है, फिर आपको ये करना चाहिए कि आप डायरेक्ट पास पेपर्स पे जाएं। लेकिन अगर आप इंटर से हैं तो प्लीज़ दिस विल सेव योर लाइफ। ठीक है, रेड स्पॉट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस। अच्छा, फिर रेड स्पॉट के बाद हम वन बाय वन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, उनमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात, फर्स्ट ईयर फिजिक्स में स्केलर्स और वेक्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर्स ऑल्दो कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी इजी लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो वेक्टर्स का पोर्शन है ना, स्पेशली ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फार्मूलाज भरे पड़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर फ्री वेक्टर डायग्राम, कोप्लेनर वेक्टर्स और वगैरह वगैरह, जो भी मतलब बुक में आपके पास है ना, ये वाली जो फर्स्ट ईयर की बुक है। इस स्पेशली जो इसमें एग्जांपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो तो लाजमी करने हैं। ठीक है, चाहे आप इंटर से हो, चाहे आप ए लेवल से हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन यहाँ इस बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इसके जो एग्जांपल क्वेश्चंस हैं वो लाजमी करने हैं, जो सॉल्व हैं। रीज़न उसका ये है क्योंकि पिछले पास पेपर्स में और अभी रीसेंट 2019 के पेपर में भी जो न्यूमेरिकल्स आए थे वो दोनों ही बेसिकली बुक के ही न्यूमेरिकल्स थे, यहीं से उठा के। और बाय द वे वैल्यूज़ भी चेंज नहीं की थी, वैल्यूज़ भी एग्जैक्टली वही रखी थी, आंसर भी एग्जैक्टली वही था जो बुक में लिखा हुआ है, सही है। तो इस कदर इंपॉर्टेंट है ये वाले जो यहाँ पर इस बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। ठीक है,
ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गौर से करना है। फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स की बात तो हो गई, अच्छा इनकी एग्जांपल्स ऑब्वियसली आनी ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। बेसिकली कम से कम कुछ 4 एमसीक्यूज तो होते ही हैं, होते हैं ठीक है, 4 नहीं तो, लेकिन जितने भी हैं लेकिन आते ज़रूर हैं ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स से। इसको तो आपने अच्छे से करना है, बुक रीड कर लें ठीक है। फिजिक्स में ये करना है कि देखें, बुक सिर्फ रीड करना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि बुक से काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई नहीं होंगी आपकी। तो अगर आप ए लेवल से हैं तो ऑफ कोर्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स का तो बहुत अच्छा आइडिया होगा आपको, अगर आपने ए लेवल्स में ढंग से पढ़ा हो तो ठीक है, गिवन दिस कंडीशन। स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो ए लेवल्स वाली है, उसमें ए लेवल्स में भी अगर आपके पास ए लेवल में मैथ थी तो फिर वेक्टर्स ये वाला आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मैथ में था। लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स है तो फिर फिजिक्स में मैथ नहीं है, तो ए लेवल की फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट इतना नहीं डिफाइन हुआ, बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट तो है ही नहीं। तो इसलिए स्केलर्स एंड वेक्टर्स को आपने अच्छे से करना है इस बुक से। प्लस पास पेपर्स की प्रैक्टिस मस्ट है फिजिक्स में ठीक है। अगर आप ए लेवल से हैं डायरेक्ट पास पेपर्स पे जाएं, अगर आप इंटर से हैं तो आप रेड स्पॉट पहले करें, अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो फिर रेड स्पॉट करने की भी फिर मेरा नहीं ख्याल ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप इंटर से हैं तो टू बी ऑन द सेफ साइड कर लें, क्योंकि रेड स्पॉट के भी एमसीक्यूज कभी कभार आ ही जाते हैं अगर मुश्किल पेपर होता है। कर लें ठीक है, आप इंटर के हैं तो कर लें, ए लेवल्स के हैं तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक बार कर लिए हैं। फिर आफ्टर स्केलर्स एंड वेक्टर्स कमिंग टू मोशन। अच्छा मोशन दो टाइप्स के हैं, 1-डायमेंशनल 2-डायमेंशनल। काइनेमैटिक्स 1-डायमेंशनल को कहते हैं, बेसिकली वो 1-डायमेंशनल में काइनेमैटिक्स की सारी इक्वेशंस और मोशंस वगैरह वो कहानी चल रही है। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ज़्यादातर यहीं से आते हैं, काइनेमैटिक्स से ठीक है, तो ये अच्छे से करना है। और अगर न्यूमेरिकल्स नहीं भी आते तो इसके जो फार्मूलाज भरे पड़े हैं, जो इक्वेशंस और मोशंस हैं, वहाँ से उठ के जो है वर्डिंग वाले एमसीक्यूज भी आ सकते हैं ठीक है। तो ये आपने अच्छे से करना है। 2-डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ ए लेवल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ए लेवल्स। रीजन इज बिकॉज यहाँ पर इट्स मोर एक्सटेंसिव ठीक है। सो यू नीड टू, इवन इफ यू हैव अ गुड ग्रिप ऑन योर ए लेवल प्रोजेक्टाइल मोशन, यू नीड टू डू दिस अगेन फ्रॉम द बुक एज वेल। बाय द वे प्रोजेक्टाइल मोशन की भी यहाँ पर एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं, तो वो भी अच्छे से करने हैं। ओके एग्जाम्पल क्वेश्चंस ये आप अज्यूम कर लें कि फिजिक्स में आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस मस्ट है कि आपको अच्छे से आने चाहिए, जो कम से कम इन बुक्स में है। फिर इसके बाद कमिंग टू टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। अच्छा दिस इज अ चैप्टर विच द ए लेवल स्टूडेंट्स हैव डन इन ए लेवल्स, बट अगेन दिस इज मोर एक्सटेंसिव ओवर हियर। यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, एंगुलर मोमेंटम का जैसे फार्मूला है वो हमने ए लेवल्स में नहीं किया, तो ये सारा कुछ जो है ये आपने, और इसके स्पेशली केसेस जो बुक में केसेस गिवन है एक्सप्लेनेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। फिर ग्रेविटेशन जो है ये ज़्यादातर हमने ए लेवल्स में की हुई है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सैटेलाइट के अंदर जो सैटेलाइट के मोशन की इक्वेशन है एक स्पेशल वाली, वो वाली आ गई, या कुछ ऐसे केसेस हैं, बेसिकली केसेस जो बुक में गिवन होते हैं वो पास पेपर्स में आ रहे होते हैं। जितने भी पास पेपर्स मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं उनमें मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के, टॉर्क के, एंगुलर मोमेंटम के, एंड इन सारे प्रीवियस क्वेश्चंस चैप्टर्स जितने भी गए चैप्टर्स हैं इन सब के मैंने देखे हैं। वर्क एनर्जी पावर अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अच्छा इनमें से एक इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल क्वेश्चंस जो आते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पे जो फोर्सेस की जिस तरह से डिवीजन होती है, जिस तरह से वो रिजॉल्व करते हैं अपने कॉम्पोनेंट्स में, खुद को ब्रेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो वर्टिकल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन वगैरह, इंक्लाइंड प्लेन में बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ए लेवल्स में भी था और यहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप रेड स्पॉट से कर लीजिएगा तो बेहतर रहेगा, वरना पास पेपर्स से हो जाएगा ठीक है। वर्क एनर्जी पावर भी इंक्लाइंड प्लेन से मिक्स होकर आता है ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से कीजिएगा। फिर ये वेव मोशन, वेव्स में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पर, ए लेवल से एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ठीक है। इंटर वालों ने ये एक बार पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ये ठीक है, ये भी कॉन्सेप्चुअल है बिल्कुल इस काइनेमैटिक्स और प्रोजेक्टाइल मोशन और स्केलर्स एंड वेक्टर्स की तरह। सो इसमें ये करना है कि बेसिकली आपने अगेन वही बात कहूँगा कि पास पेपर्स या रेड स्पॉट ठीक है। अगर कैलकुलेशंस वीक है, रेड स्पॉट कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो बस पास पेपर्स पे चले जाएं, फिर रेड स्पॉट पे अगर टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है ठीक है। फिर नेचर ऑफ लाइट में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाय द वे ठीक है। यहाँ पर भी कुछ बेसिकली वर्डिंग वाले एमसीक्यूज यहाँ से आ जाते हैं। ऑप्टिक्स में जो लेंसेज हैं ना, जो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग जिसको कहते हैं, एंड
कॉनकेव को बेसिकली डाइवर्जिंग एंड कॉन्व नहीं सॉरी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स जो भी होता है मुझे अब याद नहीं है ठीक से, लेकिन कॉनकेव कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाले बेसिकली कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, सो वो वाले लेंसेज जो है ना आपने ठीक से करने हैं, उनके जितने भी केसेस गिवन है बुक में वो अच्छे से करने, क्योंकि उनसे तो एमसीक्यूज बन के ही आते हैं। ये ए लेवल्स वालों ने ए लेवल्स में नहीं किया होता है, ये ओ लेवल्स का टॉपिक है। याद है ओ लेवल्स फिजिक्स में ये ऑप्टिक्स का चैप्टर है जिसमें सारे केसेस गिवन है कि फोकल पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पड़ा होता है तो फिर उस साइड पर नज़र नहीं आती, या फिर फोकल पॉइंट के अंदर होता है तो इमेज वर्चुअल कब होती है, इमेज रियल कब होती है, इमेज मैग्नीफाइड कब होती है, इरेक्ट कब होती है, इन्वर्टेड कब होती है, वगैरह वगैरह सारे केसेस डिफरेंट ऑप्टिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा मिरर्स भी इंपॉर्टेंट है, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिरर्स। फिर इसके बाद अच्छा सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, ये दोनों जो हम ए लेवल्स में किया था वही चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होंगे। इंटरवालों के लिए इसकी प्रैक्टिस रेड स्पॉट से करना ज़रूरी है। ठीक है, रेड स्पॉट से अगर नहीं हो रही है, टाइम नहीं है, तो पास पेपर्स लाजमी है। फिजिक्स में पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर के देखो इसमें सिर्फ 40 MCQs हैं फिजिक्स से, राइट। आपका अगर बायोलॉजी रहता है, आपका केमिस्ट्री रहता है, तो पहले आप उनको निपटाने की कोशिश करें बनिस्बत फिजिक्स के, ठीक है, क्योंकि इनकी वेटेज कम है कंपेयर टू दोज। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप फिजिक्स को बिल्कुल ही छोड़ दें, फिजिक्स को भी आपने करना है, लेकिन उसको एटलीस्ट 60-70% उन दोनों को कंप्लीट करने के बाद इस पर आ जाएं और इसको 60-70 तक ले जाने की कोशिश करें, या फिर रोज़ाना इसके कुछ MCQs सॉल्व करें, या फिर कोई पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन बगैर प्रैक्टिस के फिजिक्स करना ये बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, इवन दो अगर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, इवन दो अगर क्वेश्चंस वर्डिंग बेस्ड हैं, बट स्टिल यू नीड द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि वर्डिंग्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर आर द फॉर्मूलाज व्हिच दे हैव एक्चुअली गिवन यू इन द प्रैक्टिस। ओके, मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली, समटाइम्स फार्मूलाज नहीं भी होते, समटाइम्स कोई ईजी सा फैक्ट पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी यू नीड टू डू दिस। फिर इसके बाद ओके ये सारा, अब सेकेंड ईयर बायो फिजिक्स पर आ जाते हैं। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स में आपके पास हीट का चैप्टर सबसे पहले है। हीट में ये है कि आपका ओवरलैप होता है केमिस्ट्री के साथ, आइडियल गैस इक्वेशन वाला जो है PV=nRT और इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो सारा कुछ। इसके अलावा जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वो सारे के सारे आपको आने चाहिए अच्छे से। कार्नो इंजन, हीट इंजन, स्टीम इंजन वगैरह वगैरह, जो इंजन्स हैं ना इनको, इनका जो ग्राफ होता है प्रेशर और वॉल्यूम का होता है मेरे ख्याल से, वो अच्छे से आपने करना है। ठीक है, मैं इन पर एक वीडियो भी बना लूँगा बेसिकली अपकमिंग, जब मुझे टाइम जैसे ही मिलता है मैं इन चैप्टर्स पे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अलग अलग चैप्टर पे अलग अलग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो आप फिर वो आराम से देख लीजिएगा एंड होपफुली वो आपके MDCAT से बहुत पहले आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। पास पेपर्स की भी प्रैक्टिस के वीडियोज़ डालने की कोशिश कर लूँगा मैं इंशाल्लाह। आफ्टर द हीट कम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स में बायोलॉजी की तरह कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, बायोलॉजी में जैसे किंगडम्स का मैंने कहा था कि किंगडम्स से ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में ऐसा सीन नहीं है। फिजिक्स में काफ़ी वेल, फिजिक्स पहले से ही इतनी कॉन्साइज है, बहुत कम चैप्टर्स हैं, तो उनमें भी अगर वो ना नहीं देंगे तो फिर कोई फिर फ़ायदा क्या मतलब पेपर बनाने का। पहले से ही कम चैप्टर्स हैं तो इसलिए उन्हें सारे MCQs में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना इजी होता है, क्योंकि 20 चैप्टर्स हैं, 40 MCQs हैं, तो वो आराम से हर एक चैप्टर से तो एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो एक MCQ तो रख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक चैप्टर को अच्छे से करना है, क्योंकि वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन कुछ चैप्टर्स जो कि कैलकुलेशन बेस्ड हैं, जिनमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा अच्छे से करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस लॉ हो गया आपके पास, ये कूलम्स लॉ हो गया, कैपेसिटर हो गया। अच्छा, कूलम्स लॉ ए लेवल्स वाले करके आते हैं, ठीक है, तो ये इजी होगा। गॉसेस लॉ जो है ये नया होगा। कैपेसिटर भी ऑलमोस्ट वही है जो ए लेवल्स में पढ़ा था, लेकिन सिवाय एक और फार्मूला के, जो कि कैपेसिटर के डिज़ाइन फार्मूला कहते हैं उसे, वो एक नया फार्मूला आएगा यहाँ पर। इसकी भी बेसिकली आपने, अच्छा यहाँ से वर्डिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं, यहाँ के जो फार्मूलाज हैं ना उनके वर्डिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनके जो फार्मूलाज हैं ये अच्छे से करने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, मोस्ट ऑफ इट इज़ कैलकुलेशन। सो इसमें ये करना है आपने कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को आपने रेड स्पॉट से करना है। अगर आपने ए लेवल्स में नहीं किए रेड स्पॉट तो यहाँ से कर लीजिएगा, वरना अगर आपने किए हुए हैं तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। रेड स्पॉट की जगह फिर आप डायरेक्ट ईयरली पास पेपर्स पर चले जाएँ। ठीक है,
अच्छा बाय द वे, पास पेपर्स आप सारे ही करने की कोशिश करें, इंटीरियर के हों या DUHS के हों या लियारी मेडिकल के हों या KMDC के हों, लेकिन करने सारे हैं, ठीक है। सर्किट्स वही कूलम्स लॉ लगता है या फिर डिफरेंट जो किरशॉफ्स लॉज हैं वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ लगते हैं यहाँ पर। लॉज आपको पता होंगे, लेकिन उनको अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको पास पेपर्स या रेड स्पॉट करा देगा। देन ट्रांसफार्मर भी आपको फार्मूलाज पता होंगे। फार्मूलाज बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से वर्डिंग वाले, इसके फार्मूला से वर्डिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसमें जो बेसिकली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले क्वेश्चंस जो हैं, फार्मूलाज हैं जो बेसिकली रिलेटिव टाइम, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मास, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके फार्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, उनके केसेस जो बुक में गिवन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार रिपीट भी होते हैं, ठीक है, पास पेपर्स में, तो वो तो अच्छे से करने। बाय द वे, एक ए लेवल्स वालों के लिए एक मेरी छोटी सी एडवाइस ये होगी कि जो ए लेवल्स में आपने कैलकुलेशन सीख कर आए हैं ना, जो डायरेक्ट रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, या फार्मूला से आप देख रहे हैं कि ये इन्वर्स रिलेटेड है, तो अगर वो डबल हो रहा है तो ये हाफ हो जाएगा, वही कैलकुलेशन अपनी रखिएगा, ठीक है। कोई शॉर्टकट्स पर नहीं जाइएगा, बेहतर ये होगा, क्योंकि आप एक यू आर यूज टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग योर ओन मेथड विच यू लर्न इन योर ए लेवल्स, राइट, द डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर फॉर द इंटर स्टूडेंट्स, यू गाइज नीड टू डू द शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिकली शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको टीचर्स काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स बना के दे देते हैं कि ये वाला फार्मूला शॉर्ट ट्रिक है इस सिचुएशन के लिए, ये वाला शॉर्ट ट्रिक है इस सिचुएशन के लिए, तो फिर आप सिंस यू आर यूज टू दैट इंटर वाले, सो यू कैन स्टिक टू दैट। बट फॉर ए लेवल्स, चेंजिंग योर वे ऑफ लर्निंग, चेंजिंग योर वे ऑफ अप्लाइंग योर नॉलेज टू फिजिक्स, इट वुड बी अ बिट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एट दिस लेवल, एट दिस मोमेंट, सो इट्स बेटर टू स्टिक विथ योर ओन मेथड ऑफ कैलकुलेशन विच यू लर्न इन योर प्रीवियस ए लेवल्स बेसिकली। सो फार्मूला तो सारे वही हैं, मेथड सिर्फ सेम रखना है और आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंटर वालों का भी वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, आंसर आ जाएगा। ए लेवल्स वाले अपने फार्मूला, अपने जो डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशनशिप वाला जो मेथड सीखा होता है कैलकुलेशंस का, उससे करेंगे, वो भी आ जाएगा, वो भी क्विक है, ये भी क्विक है, दोनों क्विक है, ठीक है। तो जिसको जो ज़्यादा फीजिबल है वही करें। अच्छा, आफ्टर दैट, हाँ, बैंड थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। बैंड थ्योरी इज बेसिकली समथिंग दैट यू गाइस हैव ऑलरेडी डन इन योर ए लेवल्स, एंड बैंड थ्योरी इंटर वाले भी करके आते हैं, ठीक है। सो और हाँ, ये एग्जैक्टली वही है जो ए लेवल्स में होती है, बुक में भी इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। बैंड थ्योरी से काफ़ी वर्डिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये बैंड थ्योरी, तो ये तो थ्योरेटिकल चैप्टर है और ये तो अच्छे से करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है काफ़ी कैलकुलेशंस भी आ सकती हैं और काफ़ी अलग चीज़ें भी आ सकती हैं, फिर अलग चीज़ें से मतलब न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ जो पेयर प्रोडक्शन होता है या फिर जो आगे इसके साथ आगे पीछे जो एक्सपेरिमेंट्स लगे हुए हैं छोटे छोटे, वो सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, उसके मत कीजिएगा, उन्हें कीजिएगा, वहाँ से वर्डिंग वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। फिर स्पेक्ट्रा की तरफ आ जाते हैं, जो सीरीज़ होती है, बाल्मर सीरीज, पैस्चन सीरीज वगैरह वगैरह, वो सारी सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट हैं। उनके जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, जिस क्वांटम पे आके इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो कौन सी रे निकलेगी, वो क्वांटम नंबर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो मेरे ख्याल से हाँ, और रेडियो एक्टिविटी, ऑफ कोर्स रेडियो एक्टिविटी भी आपको, जो पार्टिकल फिजिक्स है बेसिकली, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो भी आप अच्छे से कीजिएगा। तो ये तो आपका फिजिक्स के बारे में था ओवरव्यू के क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ।